हे दोस्तों, वेलकम टू टेनवर्स फॉर एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले सिक्योरिटी इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं वो हम इस वीडियो में देखने। सो आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है सीएसआईटी की, नॉर्मली सेमेस्टर एग्जाम्स होती है, सो वहाँ पे जो वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज पे, वो कुछ ऐसे की व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आइए देख लेते हैं क्या बेसिकली इश्यूज है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के। सो देखो, पहला जो इशू है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा इशू है डेटा से रिलेटेड। सो जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है या क्लाउड सर्विसेज होती है, तो क्लाउड में आप बेसिकली करते क्या हो, कुछ भी ऑनलाइन जो सर्विसेज है, ऑनलाइन जो रिसोर्सेस है, उनको यूज में लेते हो, या फिर आप क्या करते हो, ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर करके रखते हो। अगर से सपोज कर लीजिए आपने ऑनलाइन अपना जो क्लाउड पे स्टोरेज लिया हो, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करके रखा है, सो डेटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो बहुत बड़ा इशू है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आप बोल रहे होंगे भाई डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी होता क्या है वो तो बता। सो देखो, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली क्या है, अगर से आपने डेटा क्लाउड पे स्टोर किया है तो आप उसके ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, मतलब आप उसके मालिक है ना, आप उसके ओनर है उस डेटा के। सो आप ही उस डेटा को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और अदर कोई रीड नहीं कर सकता उस डेटा को, एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा है तो आप बोल सकते हैं डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो सपोज कर लीजिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि देखो एक यूजर ए है, दूसरा यूजर बी है, ठीक है। अब यूजर ए कुछ डेटा को पास करना चाहता है थ्रू इंटरनेट, ठीक है, ओवर द इंटरनेट कुछ डेटा को, कुछ मैसेज को पास करना चाहता है यूजर बी को। सो अगर से यूजर ए से यूजर बी पे जो डेटा पास हो रहा है उसको बीच में कोई थर्ड पार्टी क्या है, रीड नहीं कर रहा है, ठीक है, उस मैसेज को रीड नहीं कर रहा है, तो एक्सेस नहीं कर रहा है, रीड नहीं कर रहा है, बीच में बैठ के कोई थर्ड पार्टी अटैकर हो या कोई भी, अगर से एज इट इज आपका डेटा जा रहा है विदाउट इंटरप्शन ऑफ एनी अटैकर और थर्ड पार्टी, कोई उसको रीड नहीं कर रहा, तो आप बोल सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है। अगर से थर्ड पार्टी रीड कर रही है तो आप बोल सकते हैं डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे लूज हो गई है। सो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा इशू है क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो आपका सीएसपी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो डेटा से रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी इशू है, वो क्या है, इंटीग्रिटी। देखो, डेटा इंटीग्रिटी से यहाँ पे हमारा सिंपल मतलब क्या है, जो भी डेटा हमारा भाई क्लाउड यूज, हमारा मतलब क्लाउड यूजर का जो भी स्टोर है क्लाउड पे, ठीक है, तो वो डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होने से क्या मतलब है, जो भी डेटा स्टोर है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए भाई, वो चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी अनऑथराइज बंदे ने, किसी भी अनऑथेंटिकेटेड बंदे ने उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसको मॉडिफाइड नहीं करना चाहिए। और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन फिर से आपके सीएसपी की है, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है, ठीक है। और दूसरी जो इंटीग्रिटी का कंसर्न जहां पे आता है वो कहां पे आता है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म से आप डेटा को माइग्रेट कर रहे हो दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म में, मतलब जैसे आप अमेजोन से अपने डेटा को माइग्रेट कर रहे हो गूगल क्लाउड पे, सो यहां पे एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में डेटा को माइग्रेट करते समय या विद इन द सेम क्लाउड पे अगर से आप डेटा को कहीं भी माइग्रेट करते हैं, तो वहां पे भी जो सीएसपी है उसने इंश्योर करना चाहिए भाई की डेटा की इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन वो कर रहा है, ठीक है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो अगला इशू है वो क्या है, अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, इससे हमारा क्या मतलब है, ये इशू कैसे है, देखो जो भी हमारा क्लाउड का पेड यूजर है, पेड यूजर मतलब जो पैसे दे रहा है सीएसपी को, सीएसपी कौन है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को जो क्लाउड का यूजर है वो पैसे दे रहा है कुछ सर्विसेज लेने के लिए, क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर रखने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करने के लिए, जो सीएसपी को है वो एक जो क्लाउड यूजर है वो पैसे दे रहा है, ठीक है, पे कर रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका पेड यूजर है क्लाउड का, अगर से वो कोई सर्विस की रिक्वेस्ट करता है, कुछ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है, कुछ डेटा की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो जो यूजर है क्लाउड का यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ऑथराइज यूजर है, पेड यूजर है, और आपका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है या क्लाउड सर्विस है वो अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 24/7 आपको अवेलेबिलिटी देना है अपने क्लाउड यूजर को, मतलब 24/7 वो कभी भी डिमांड करे किसी सर्विस की, किसी डेटा की, किसी रिसोर्स
उसकी उसको ऑन डिमांड यानी अवेलेबल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड ही नहीं रहना चाहिए, सारा चीज जो है ये कोड बेस पे होना चाहिए, आपके एल्गोरिथम पे काम करना चाहिए, इंटरनेट पे काम करना चाहिए। अगर से यहाँ पे यूजर ने बस रिक्वेस्ट भेजी आपसे और आपने क्या कर दिया, तुरंत उसको सर्विस दे दी, तो ये होता है अवेलेबिलिटी। सिंपली आपको 24/7 अवेलेबिलिटी देना है डेटा की, रिसोर्सेज की और सारी सर्विसेज की, ठीक है। सो ये हो गया आपका अवेलेबल। देखो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये जो दो इशू है ये हम प्रीवियसली शुरू से जब से हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं फ्रॉम यूनिट 1, ठीक है। अगर से आपने प्लेलिस्ट देखी होगी मेरी, तो हम बहुत बार ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं और बहुत फैमिलियर हो चुके होंगे, आप सुन सुन के बोर हो रहे होंगे मेरी बातें। सो लेकिन एक जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब सिंपली क्या है, आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड से क्या कर रहे हो, यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि भाई वो उस क्लाउड का ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं, वैलिड यूजर है कि नहीं। अगर से वो वैलिड यूजर होगा तभी आप क्या करोगे, उसको सर्विसेज दोगे, क्लाउड में इंटर करने दोगे, अदरवाइज उसको अनऑथेंटिकेटेड डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। सो ये जनरली हम पासवर्ड एंड यूजर आईडी से अचीव करते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऑथराइजेशन का जब भी बात आएगा तो बात आएगा किसका, एक्सेस कंट्रोल का। मतलब कोई जो ऑथेंटिकेटेड यूजर भी है अगर, तो उसको क्या क्या एक्सेस राइट है, किस सर्विसेज के लिए उसके पास एक्सेस राइट है, वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और कौन सी सर्विसेज के पास एक्सेस राइट नहीं है, वो कौन सी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। सो ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो कंसर्न है वो आ जाता है ऑथराइजेशन में। सो देखो अब जो अगला इशू है वो क्या है, डेटा एक्सेस। सो देखो ये बेसिकली क्या इशू है, जैसे कि हमने ऑथराइजेशन में देखा है एक्सेस कंट्रोल, मतलब किसको एक्सेस देना है, किस सर्विस के लिए एक्सेस ग्रांट करना है या डिनाई करना है, ठीक है। सो डेटा एक्सेस में क्या होता है बेसिकली, देखो अगर से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने सपोज कर लीजिए 500 टीबी का डेटा स्टोर करके रखा है किसी डेटाबेस में, ठीक है। सो उसने बहुत सारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाए होंगे, उनको अलग अलग एक्सेस राइट दिया होगा कि मतलब अब देखो जैसे आपकी और एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे 100 एम्प्लॉई है, तो सारे 100 के 100 एम्प्लॉई को आप पूरे डेटा का एक्सेस तो नहीं दोगे ना भाई, हर एक को अलग अलग जो जितना उसके काम का है उतने ही डेटा का एक्सेस दोगे। सो डेटा एक्सेस का प्रॉपर जो डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए आपके सीएसपी में। मतलब क्लाउड जो सीएसपी है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसने आपको डेटा एक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी एक बराबर प्रॉपर मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, सीएसपी को। देखो अगला जो इशू है वो क्या है, अपना डेटा सेग्रीगेशन। देखो ये इशू बेसिकली क्या है कि अगर से आप बात करोगे इंटरनेट या क्लाउड की, तो क्लाउड पे इंटरनेट पे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से क्लाउड पे अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा डेटा टीबी में, पीबी में और मतलब ईबी में, मतलब पेटाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट, बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, तो सारे लोग क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हैं और पूरे दुनिया में क्लाउड पे कितने सारे लोगों ने डेटा स्टोर करके रखा होगा। सो डेटा सेग्रीगेशन क्या है बेसिकली, इतने सारे डेटा में जो आपका डेटा है इंडिविजुअल, जैसे मैं एक बंदा हूँ, मैंने 10 GB का डेटा किसी क्लाउड में लेके रखा है, सपोज कर लीजिए 50 GB का डेटा कहीं पे लेके रखा है, तो जो सीएसपी है उसने मेरे को गारंटी करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि भाई आपका जो डेटा है वो पूरी दुनिया के डेटा से, जो भी क्लाउड पे डेटा है उससे इनकैप्सुलेटेड है, सेग्रीगेट है। सेग्रीगेट का मतलब क्या है, अलग थलग है, मतलब अलग से आपका डेटा इनकैप्सुलेट है, बाकी डेटा में मिक्सअप नहीं है, ठीक है, सेग्रीगेटेड है आपका डेटा जो क्लाउड पे है। तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे डेटा सेग्रीगेशन बेसिकली क्या प्रॉब्लम है। देखो नेक्स्ट जो कंसर्न आता है आपका यानी क्लाउड में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो क्या है, प्राइवेसी से रिलेटेड। तो अगर से आप बात करेंगे प्राइवेसी की, तो जो आपका सीएसपी है उसने क्या करना चाहिए, जो भी उसके क्लाउड यूजर है उनको क्या करना चाहिए, प्राइवेसी प्रोवाइड करने। प्राइवेसी प्रोवाइड करने से मेरा मतलब है, मतलब जो आपका क्लाउड यूजर है वो कौन सा मतलब ओएस रन कर रहा है अपने यानी क्लाउड के सर्वर पे, या वो जो क्लाउड पे उसने कितना स्टोरेज लेके रखा है आपके क्लाउड यूजर ने, ठीक है, जो आपका क्लाउड यूजर है उसकी
आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, इनको आपके जो सीएसपी है उसने क्या करना चाहिए, हाइड करके रखना चाहिए, ठीक है, आउटर वर्ल्ड से, ठीक है, आउटर वर्ल्ड से हाइड करके रखना चाहिए। इससे आपकी क्या हो जाती है, एंड यूजर की क्या हो जाती है, प्राइवेसी बनी रहती है। देखो जो अगला कंसर्न है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड वो क्या है, रिकवरी। सो रिकवरी से रिलेटेड क्या कंसर्न है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे सपोज कर लीजिए आपने किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में, जैसे कि गूगल का हो गया या अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट, कहीं पे भी आपने क्लाउड लिया है, ठीक है, क्लाउड पे स्टोरेज लिया है, मतलब सपोज कर लीजिए 10 TB आपने स्टोरेज लिया है और उस 10 TB के स्टोरेज पे आपने कुछ डेटा स्टोर करके रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपका और उसको स्टोर करके रखा है, और कल से सपोज कर लीजिए आपने गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज किया था। अब उस डेटा को कैसे गूगल को मेंटेन करना है, क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है उसको कैसे मेंटेन करना है, उसकी कितनी मल्टीपल कॉपीज बनाना है, कहाँ कहाँ पे स्टोर करके रखना है, दुनिया के कहाँ कहाँ कौन कौन से कोने में डेटा सेंटर मैनेज करना है, उनकी सिक्योरिटी कैसी रखना है, सो ये सारा जो हेडेक है ये आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का रहता है बेसिकली। और अगर से कल के आपके किसी सपोज कर लीजिए डेटा सेंटर पे आग लग जाती है, ठीक है, गूगल के, सो आपको, आप बोलोगे भाई मेरे को इससे लेना देना कुछ नहीं, ठीक है, मैं क्या करूँ, बेसिकली आपको पैसे पे कर रहा हूँ तो मेरे को मेरा डेटा सेफ चाहिए, ठीक है, मेरा डेटा मेरे को रिकवर चाहिए। सो वो क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके ओरिजिनल डेटा की कितनी सारी कॉपीज बना के रखता है, कितनी सारी रेप्लिकेशन बना के रखता है और दुनिया भर में कौन कौन से डेटा सेंटर मैनेज करता है, कहाँ कहाँ स्टोर करता है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा फेलियर हो गया या डेटा करप्ट हो गया तो उसको कैसे रिकवर करना है, सो ये सारे जो कंसर्न है, ये सारे जो इश्यूज है सिक्योरिटी से रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड, इसको हम आउटसोर्स कर देते हैं किसको, सीएसपी को, दैट इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। सो देखो मल्टी टेनेंसी का कंसेप्ट क्या है, बेसिकली जो आपने वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट सुना होगा, वर्चुअल मशीन का या वीएमवेयर का नाम सुना होगा, तो वहां पे होता क्या है, बहुत सारी एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वीएमवेयर की मैं बात कर रहा हूं, आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर वो वीएमवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर आप काली लिनक्स या दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी इंस्टॉल कर पाते हैं। सो मल्टी टेनेंसी का भी कंसेप्ट यही है। ये क्या बोलता है, जो आपका इंडिविजुअल फिजिकल मशीन है, ठीक है, आपके पास एक फिजिकल मशीन है जिसका स्टोरेज बहुत ज्यादा है, सपोज कर लीजिए उसकी रैम क्या है, 500 GB रैम है, ठीक है, बहुत सारा स्टोरेज है, बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर है। सो उस पे आप क्या कर सकते हैं, जो हाइपरवाइजर होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, फिर उन सारे वर्चुअल मशीन को क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली क्या कर पाए, रन कर पाए सिंगल फिजिकल मशीन पे। तो यही होता है मल्टी टेनेंसी का, मतलब अगर से आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे या जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, मल्टी टेनेंसी को सपोर्ट करना चाहिए, तभी क्या कर पाएंगे आप, जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, पैरेलल कंप्यूटिंग है, ठीक है, कंकरेंसी रहती है जो आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म में वो आ पाती है। दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू एप्रिशिएट माय वर्क, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेटेड फील करते रहूं और आपके लिए इसी तरह यूजफुल ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी एंड माय हैंड रिटन नोट फॉर द कंप्लीट सब्जेक्ट यूनिट वाइज, सो लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।